हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। दिस इज जागृति। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ फूड जो है इंजेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने फूड जो है लिया है, इंजेस्ट किया है, तो फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा फूड लिया है, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जिससे क्या होता है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड से जो मिलते हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी थ्रू आउट द बॉडी में पहुँच जाते हैं। एंड जो भी हमारे फूड का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। सो हम इनका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है फ्रेंड्स, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करता है किस में, न्यूट्री, और जिससे फूड से क्या मिलता है हमें, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी कि पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिनकी नीड होती है। विच देन पास, न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो पास हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, नीड इन द बॉडी, जो हम जहाँ पे हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुँच जाते हैं। तो ये कुछ रहा हमारा ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जो होते हैं ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को कंसिस्ट करती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक को कंसिस्ट करती है और एसेसरी ऑर्गन्स को कंसिस्ट करती है। फ्रेंड्स, एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में, जो कि जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन कराने में और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कराने में एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं दैट ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, जो क्या करते हैं छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स में क्या होता है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी अब्सॉर्ब, जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। दिस प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी, जब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमें नेसेसरी एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो अब हम नेक्स्ट ये फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ होता है फ्रेंड्स, माउथ, एंड नेक्स्ट इज फैरिंग्स एंड लैरिंग्स होता है फ्रेंड्स, एंड इशोफेगस के बाद हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड स्प्लीन पेनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को कंसिस्ट करता है और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को कंसिस्ट करता है एंड एसेसरी ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है। अब फ्रेंड्स, एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लीवर, गॉलब्लैडर।
टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियास, लीवर, कल्बेट, ये सब जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ये भी जो होते हैं ये भी फूड के ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। इनटू स्मॉलर, कैसे स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने में इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अनटिल दे कैन एब्जॉर्ब, जब तक हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यही देखा कुछ इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स।